रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी को अपना अलग ऑनलाइन व्यापार करना भारी पड़ गया। उसने फेसबुक में विज्ञापन देखने के बाद उस पर मिले नंबर से संपर्क किया, जहां सूरत के व्यापारी ने कुछ कपड़ों के फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। पीड़ित ने कपड़े खरीदने के लिए ऑनलाइन रुपए भी ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद उसके साथ ठगी हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। SI स्वराज डाबे के मुताबिक कुम्हार खाड़ी में रहने वाले सुमित पुत्र दिलीप पंजारे निवासी कुम्हार खाड़ी शिकायत पर अमित पुत्र सुभाष खुराना मैसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सुमित ने बताया कि वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करता है, उसे ऑनलाइन बिजनेस करने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आने वाले विज्ञापन देखे। फेसबुक के एक पेज पर कृष्णा इंटरप्राइजेस का विज्ञापन देखा, जिसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसने संपर्क किया। इस दौरान बात करने वाले ने खुद का नाम अमित बताने के साथ ही दुकान का मालिक बताया और लोअर टी शर्ट के कुछ फोटोज भी सुमित के मोबाइल पर भेजे। वहीं अमित ने गूगल पे से करीब 61,000 रुपए का पेमेंट करवा दिया, जिसकी एवज में दिखाए गए फोटो में माल की डिलीवरी 1 सप्ताह में करने की बात कही गई। लेकिन सप्ताह निकलने के बाद भी सुमित ने मोबाइल पर संपर्क करना शुरू किया, जिसमें अमित ने उसे डिलीवरी रुकने की बात करता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद अमित ने उससे बात करना ही बंद कर दिया और मोबाइल उठाना बंद कर दिया। काफ़ी परेशान होने के बाद सुमित ने पहले साइबर पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें बाणगंगा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं सुमित के मुताबिक अमित ने उसे GST की रसीद भी भेजी थी। फरियादी हैं सुमित पांजरे, इनकी कपड़े की दुकान है और इन्होंने कृष्णा इंटरप्राइजेस सूरत से इन्होंने अभी फरवरी माह में एक सौदा हुआ था इनका, और इन्होंने 61,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किए थे कृष्णा इंटरप्राइजेस को बैंक अकाउंट के माध्यम से। लेकिन इसके बाद में भी कृष्णा इंटरप्राइजेस के द्वारा इनके जो कपड़े वगैरह थे ये इनको नहीं भेजे गए हैं, और इस पर से जब जानकारी प्राप्त की गई तो ये जो कंपनी है ये फर्जी पाई गई, और इस तरीके से कृष्णा इंटरप्राइजेस के जो भी प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा फरियादी के साथ में धोखाधड़ी कर 61,000 रुपये इनके ले लिए हैं। तो इस पर से इन्होंने आवेदन दिया था, आवेदन जाँच पे से धारा 406 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है,